यह हम जानते ही हैं कि शेर कितना ज़्यादा खतरनाक और खूंखार होते हैं, पर क्या हो अगर यही शेर आपके पीछे पड़ जाए। जून 2019 में केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में यह घटना सामने आया, जहां दो बाइक सवार जंगल की ओर से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी एक बाघ उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागता है। यह तो शुक्र है कि बाइक की स्पीड बढ़ने की वजह से वो बच गए, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकता था। डॉग्स कितने ज़्यादा क्यूट और प्यारे होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, पर इस बुलडॉग की बहादुरी देख आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल लॉस एंजलिस में लोगों द्वारा खाना मिलने पर वहां अक्सर भालू आते जाते रहते हैं। इसी दौरान दो भालू किसी घर में आए हुए थे, तभी एक फ्रेंच बुलडॉग उनके ऊपर हमला कर देता है, और यही नहीं उनको घर से बाहर तक निकाल देता है। और इसे देख के ये साबित हो जाता है कि बहादुरी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। अभी जो आप देख रहे हैं उसे देख हम भी एक पल के लिए चौंक गए थे। बादल जैसा दिखाई देने वाला यह चीज आखिर है क्या, ये कोई नहीं जानता। क्लाउड्स की प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर नहीं पड़ता, जिससे वो नीचे नहीं आते। कुछ लोगों का मानना है कि ये केमिकल फोम हो सकता है जो फैक्ट्रीज से होती हुई यहाँ तक आ गई है, पर आज भी ये एक मिस्ट्री है और आखिर आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर ये है क्या। दोस्तों बचपन में सभी बबल्स के साथ खेलना पसंद करते थे, और अभी तो मार्केट में बहुत सी बबल्स क्रिएटिंग टॉयस आ चुकी है, पर क्या आपने कभी इतना बड़ा बबल्स देखा है? ये बबल्स लगभग एक कमरे जितना बड़ा तो होगा ही। बड़े से दो स्टिक के साथ एक कपड़े के रस्सी से ये जुगाड़ू टूल बनाया जाता है, और इसे सोप वाटर में डालकर हवा के डायरेक्शन में छोड़ा जाता है, जिससे इतना बड़ा बबल बनता है। तो है ना शानदार। 2018 में घटी जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं ना, ये सच्चे चमत्कार का जीता जाता सबूत है। हॉन्ड्रस में एक विमान क्रैश हो जाता है और ये सीधा जमीन में आ गिरता है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, जो आम तौर पर एक्सीडेंट्स में होता है, मगर हॉन्ड्रस में हुई ये विमान दुर्घटना सबसे अनोखी थी, क्योंकि इसपे सवार सभी पैसेंजर सही सलामत जिंदा बच गए। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी एक का भी मौत इस दुर्घटना में नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ना, जाको राके साइया, मार सके ना कोई।